नौजवान और मेरी भैनों सलाम अलैकुम पहले जवाब दो जोर ना रस्ता आई है तुसा के आख्या है जनाब एक दफा बेग सब नु आड़ो पता नहीं था उसी कोई ना पूछू ओ ला ला हो गया पूरा सब पूरा हो गया जनाब याददाश्त मेरी बड़ी तेज है मुझे नहीं मालूम था कि एक दौर ऐसा आएगा बेग साहब की सियासी जिंदगी में कि उनको अपने लोगों के पास आके कहना पड़ेगा जनाब मुझे सपोर्ट करना बंद करो ना ये क्या लगाया है सर बंद आप इन बेचारों को 1980 में बेग साहब जब यहाँ सियासत में आए थे कंडी वालों 1980 में हम बदतमीज नहीं है उन लोगों की तरह हमने बदतमीज लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले कर दिए हमने उनको गिफ्ट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उमर साहब को हमने एक तोहफा दिया है बदतमीजी का जो टोला है वो हमने उमर साहब के हवाले कर दिया इसलिए हम शेख साहब का नाम बड़ी तहजीब से लेते हैं फारूक साहब का नाम भी बड़ी तहजीब से लेते हैं हम आपको बता दें ये वही शख्स है जिसने आप लोगों को और हम लोगों को सियासी पहचान दी ये वही शख्स है जिसकी वजह से शेख साहब जैसी बड़ी शख्सियत सूरत में आई और एक हमारे बंदे ने खड़े होकर कहा मोहतरम शेख साहब को मरहूम शेख साहब को जनाब अगर मुजफ्फर बेग एक छोटा आदमी है तो इतने बड़े लीडर को यहाँ आने की क्या जरूरत है लेकिन बदतमीजी हमने कभी नहीं की उनका नाम लेके हमने उनको गाली गलौज नहीं दिया मेरी और पैरों याद रखियो एक चीज ये वो कंडी है जिसको शनाख्त बेग साहब की वजह से मिली मेरे बच्चों याद रखना हिस्ट्री कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने बेग साहब के साथ गद्दारी की हम दल बदलू नहीं थे हमने 50-50 पार्टियां नहीं बदली हमने ये नहीं कहा जनाब अल्ताफ साहब के साथ जाएंगे तो बन जाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर जनाब सजाद साहब के साथ बन जाएंगे टूरिज्म मिनिस्टर अब एक नया पहाड़ा है यहाँ पे नया एक और एक फंदा छोड़ा है जो किसी को जो ये नहीं जो आप खुद अंदाजा लगाइए अगर मेरा रिश्ता बेग साहब के साथ नहीं होता खावन बीवी का लेकिन हम एक खानदान से ही अगर मैं इनकी नहीं हूं तो मैं आपकी क्या बनूंगी अगर मैं बेग साहब की नहीं तो मैं आपकी क्या हूं अगर आप बेग साहब की नहीं तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या बनेंगे अब एक नई चीज चल पड़ी है अब नई चीज है जनाब बीजेपी और जनाब हमने तो नागपुर में जाके मीटिंग नहीं की हमारे पास तो आपके वीडियो है नागपुर वाले हमने आर्मी हेडक्वार्टर में जाके उनको मशवरा नहीं दिया कि कश्मीरी नौजवानों को किस तरीके से आप धरा धमका सकते थे हम चाहे तो आपके वीडियो डिस्क्लोज कर सकते हैं आज ऐसा बीजेपी हो गया और आज ये लोग कौम के सरबरा आज ये कौम को बचाने के लिए निकले हैं दल बदलू कहेंगे आपको पार्लियामेंट इलेक्शन में कुरान शरीफ गले में डाल डाल के घर घर आए जैसे इनको इस्लाम का जंग लड़ना था इनको जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के लिए वोट मांगना था जिनको इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं जिनको घर में इस्लाम नहीं है मैं जाती अटैक नहीं करना चाहती लेकिन आपको बताना चाहती हूं वो बड़ा अच्छा इंसान है तमीज वाला इंसान है डिसेंट इंसान है मगर वो अंग्रेज आदमी है उसको क्या इस्लाम के साथ लेना देना वो अंग्रेज शख्स है यहां आके आपको यहां एक शख्स है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती उसके वालिद साहब जो है वो बेग साहब के पुराने साथी थे उनको बेइज्जत करके घर से निकाला धक्के मार मार के घर से निकाला और जब मेरे पास आया वो आदमी और कहने लगा एक दफा बेग साहब को मेरे वालिद साहब से मिलाइए क्योंकि वो तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले गए क्योंकि एबीसीडी ने उनके साथ बदतमीजी की थी हैरान हूं मैं कितने पलटू मास्टर हैं यहां पे कैसे पलटू हैं ये लोग मेरे की मुलाकात करवाई मैंने कहा अल्लाह गवाह उनके वालिद साहब ने कहा भी कि मुजफ्फर बेग साहब को ये पता नहीं है इसलिए मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा रहा हूं और मुझे शर्त रखी उस आदमी ने कि अगर फलाना शख्स आपके साथ होगा तो हम आपके साथ नहीं आएंगे और आज मैं देखती हूं ऐसी पलटी है कि रात दिन उसके लिए कंपेन चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों आपको शर्म आनी चाहिए कंडी में वोट मांगते हुए
जिस मुंह से आप आते हैं एक खूनी रंग लेके यहाँ पे रोड मारते हुए। आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? आपकी देन है पोटा, आपकी देन है एसटीएफ, आपकी देन है इलेक्शन चोरी, आपकी देन है जेलें, आपकी देन है कब्रिस्तान। आज एक इंजीनियर रशीद के पीछे बढ़ गए, आपने तो ऐसे हजार इंजीनियर रशीद बनाए हैं यहाँ पे। ना जाने कितने बच्चे हैं जो जेलों में हैं आपकी वजह से। और ये वही बैग साहब है जिन्होंने एसटीएफ को बैन किया, ये वही बैग साहब है जिन्होंने पोटा को हटाया। और डेवलपमेंट का तो बात ना करें, आप तो शहजादा लोग हैं, आप थोड़ा डेवलपमेंट करते हैं। और इंशाल्लाह इसमें इनको जरूर कामयाबी मिलेगी, इंशाल्लाह इनको जरूर कामयाबी।